Hindu genocide cases after 34 years evokes a mix of emotions for me. कश्मीरी पंडितों का केस जो है जेनोसाइड का केस है और जस्टिस नीलकंठ गंजू एक कड़ी है उसकी, एक कड़ी है। उन तमाम साक्षियों का बेड़ काप करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां 33 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपराधों की जांच करने जा रही है। राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की जांच करेगी, जिनकी श्रीनगर में जेकेएलएफ आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इसके लिए एजेंसी ने जनता से भी मदद मांगी है। जस्टिस गंजू की हत्या के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें इस मर्डर केस से जुड़े तथ्यों और हालात से परिचित सभी लोगों से आगे आने और साझा करने की अपील की है और इसे एक बड़ी देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हिंदू जेनोसाइड केसेस आफ्टर 34 इयर्स इवोक्स अ मिक्स ऑफ इमोशंस फॉर मी। कश्मीरी पंडितों का केस जो है जेनोसाइड का केस है और जस्टिस नीलकंठ गंजू एक कड़ी है उसकी, एक कड़ी है। उन तमाम साक्षियों का बेड़ काप करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, कानून ने हमेशा अपना काम किया। तो जो मुतासरीन हैं और खासतौर से कश्मीरी पंडितों के साथ 90s के दौर में जो अन्याय हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, जो उनका कत्लेआम हुआ है, उसके लिए इंसाफ की एक उम्मीद के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ और इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ माजिद हैदरी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं, कन्वीनर हैं पनून कश्मीर के। फारूक रंजू शाह हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बिट्टा जी भट्ट हैं जो कि फादर हैं लेट राहुल भट्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। 34 साल के बाद 1989 में ये कत्ल हुआ था, हत्या हुई थी और आतंकी हमला हुआ था। 34 साल के यानी 3 दशकों के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है कि नीलकंठ हत्या जो हुई थी, इस पूरे मामले को खोला जाएगा और इसमें तथ्यों को जुटाने की कोशिश की जाएगी, जो साजिश इसमें हुई थी उसे सामने लाया जाएगा। देखिए, ये अच्छी बात है कि नीलकंठ गंजू जी का केस नए सिरे से खोला गया, जैसा कि क्लेम किया गया है। इसका तो पहले पहली नजर में तो वेलकम करना चाहिए, लेकिन फैमिली की वजह दृष्टि से भी देखें तो फैमिली खुश है, हम भी खुश हैं क्योंकि वो मार्टियर हैं। लेकिन कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक पूरा जेनोसाइड है। इसमें सिंगल आउट करने की शायद नहीं करनी चाहिए। और आपने 34 साल के बाद एक केस उठाया है और ये कहा है कि पहला केस है। आप मुझे ये बताइए कि जितने लगभग सैकड़ों केसेस हैं तो इसमें कितनी सदियां लगेंगी, कितने दशक लगेंगे। एक दूसरा ये है कि जेनोसाइड जब होता है तो आप 34 साल के बाद एक केस उठाते हैं, जबकि पूरे का पूरा जेनोसाइड हम 35 साल से 34 साल से ये डिमांड करते आ रहे हैं कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, वो नहीं मानी आपने। हमने ये भी कहा कि ये जो जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज
प्रिवेंशन बिल कश्मीर का दिया हुआ है पार्लियामेंट में, उस पर बहस कराइए, एनेक्ट कराइए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी लेकर एक कानून बनाइए जिससे आप निपट सके जेनोसाइड के साथ, और उससे रास्ते खुलेंगे कश्मीरी पंडितों के वापस। तब तक ये सारा आई वॉश है। अभी देखिए, रिसेंटली आपने अनाउंस किया कि 2 सीटें रिजर्व हुई हैं। क्या हम लड़ रहे 35 साल से 2 सीटों के लिए लड़ रहे हैं? आपने ये कहा कि आपको रियायत पर जमीन दी जाएगी, एलजी साहब ने कहा, ये कितना इंसल्टिंग है। आप एक पूरे जेनोसाइड को इग्नोर करके कहते हैं कि रियायत पर आपको 5 मरले जमीन दी जाएगी, यानी आप क्या कह रहे हैं? आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं एक पूरी की पूरी कौम को, एक पूरी की पूरी जेनोसाइड के विक्टिम्स को। आप रेपरेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इंस्टेड कंसोलिडेशन ऑफ जेनोसाइड कर रहे हैं, जो 10th स्टेज है जेनोसाइड की। और इसलिए मैं ये आपसे कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर से आपके माध्यम से, होम मिनिस्टर से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, आप पार्लियामेंट में जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करिए, रेक्टिफाई करिए और एक एनेक्ट बिल करिए ताकि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड संभव हो, नहीं तो नहीं होगा। ये सारा आई वॉश दिखेगा, नहीं तो हमारी उम्मीदें आपसे हैं, लेकिन जेनोसाइड को इग्नोर मत करिए। और आपके जो एक्ट्स हैं, जो हम पिछले 2-4-5-7 महीने से देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और एलजी साहब के पर्टिकुलरली, ये कंसोलिडेशन है, ये अनविटिंगली एडवांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं हमारे जेनोसाइड को और उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन छोड़िए, आप डायरेक्ट रेक्टिफाई करिए, पार्लियामेंट में डिस्कस करिए, बिल है आपके पास हमारी भेजी हुई, उस पर बात करिए, डिस्कस करिए, पास एक्ट करिए और उसके बाद ही रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड पॉसिबल होगा। और जहां तक पंडित नीलकंठ गंजू की बात है, वो हमारे मार्टियर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके परिवार के साथ हम हैं, लेकिन ऐसे तो सैकड़ों के सैकड़ों मार्टियर्स हैं। अब कब तक, फिर दूसरे की टर्न कब आएगी, और अगले 34 साल के बाद? अगर ऐसा है तो ये हमको बिल्कुल उचित नहीं लगता है ये अप्रोच। इस अप्रोच में ट्रेजेक्टोरी है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से सरकार हमारे मामले में, जेनोसाइड के मामले में, उल्टे रास्ते पे चल रही है और उनके अनविटिंगली वही काम कर रही है जो जेनोसाइड को और ज्यादा ये कर रहा है। इसलिए जहां एक और हमने वेलकम किया एज एक फैमिली के मेंबर के नाते, हमारी कम्युनिटी के मेंबर के नाते, ये तो काफी है, लेकिन इसको आइसोलेट मत करिए, फ्रेगमेंट में मत देखिए, टोटलिटी में, इन टोटो इट हैज टू बी डिस्कस, डेलिब्रेटेड एंड एनेक्ट करना है। तब तक ये बिल्कुल दिखावा दिखता है, नहीं बिल्कुल। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आपकी बात सही है कि 34 साल में पहला मामला आया है और ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं, उन सारे मामलों की फिर नौबत कब आएगी? जब पहला मामला 34 साल के बाद खुला तो दूसरे मामले की नौबत कब आएगी? लाइब्रेरी में है, रिकॉर्ड्स में है, नियरली 1500 कश्मीरी पंडित्स वर अबडक्टेड एंड मर्सिलेसली किल्ड, 1500 के आसपास है। तो ये कब टर्न आएगी फिर? बिल्कुल, 400 साल इंतजार करते रहिए तब तक आप ये कितने। बिल्कुल, चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं फारूक रंजू शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फारूक रंजू शाह जी, जो बात यहां पर डॉक्टर अग्निशेखर जी ने कही कि इस देर आए दुरुस्त आए, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन एक लंबी तादाद है विक्टिम्स की जिनके घर वालों ने यह दर्द सहा है, तो ऐसे तो जब शुरुआत आप 34 साल के बात कर रहे हैं तो एक बहुत लंबा इंतजार आपको इंसाफ के लिए करना पड़ेगा। ये जो अचानक और मेरे ख्याल में राइटली सो, अचानक बट राइटली सो, एक शख्स जस्टिस नीलकंठ गंजू हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ही इज शॉट डेड, उसको मारा जाता है पॉइंट ब्लैंक पे। अब मैंने, अगर आप देखेंगे मेरे बहुत सारे अर्लियर डिबेट्स में, बहुत पहले 3-4-5 साल पहले मेरे डिबेट्स और माय रिकॉर्ड, मैंने कहा जनाब हरी सिंह हाई स्ट्रीट विज द गवर्नमेंट स्ट्रीट, गवर्नमेंट ओन्ड स्ट्रीट में एक जस्टिस मारा गया, न थाने का मुंशी आया, न जिप्सी आई, रिकॉर्ड देख लीजिए, न थाने का SHO पहुंचा वहां, न वहां का SSP आया, SP आया, DSP आया, DIG आया, IG आया, DG आया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं पहुंचा और होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ने एक बात नहीं कही। ये एक ऐसा इवेंट है जो एक
कनेवेंस दिखाता है, जो दिखाता है कि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स काम कर रही थी और ये सर माथे पे चढ़ाने की कोशिश कर रही थी कश्मीरियों को विलन बनाने के लिए, लेकिन इसके पीछे वो ताकते। और आज तक मैंने बहुत दफा कहा, रिसेंटली आपके इसमें कहा, इसी तरह एक इवेंट है इसका मसगुल का चार शरीफ में मसगुल जला रहा है और यहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसको शोल्डर पे वो कह रहे मसगुल 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 मसगुल। और सब इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया आर्मी कॉर्डन से मसगुल को फायर ब्रिगेड गाड़ी में निकालता है एक हीरो की तरह कि आपने ये जला दिया, एक सूफी श्राइन जला दिया, मसगुल कत बने चार बने हने हने। जब ऐसे फोर्सेस जियाल हक की ताकतें इंट्रोड्यूस हो गई, उन ताकतों को किसने साथ दिया? आप सबसे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उस वक्त था उसका गरेबान पकड़ लीजिए, चाहे वो जिंदा है नहीं है, बता दीजिए कि आपके 8 घंटे एक जस्टिस की लाश पड़ी रही, सारी दुनिया में कश्मीर बदनाम हुआ, क्यों हुआ, क्यों? और आज ये सिर्फ एक ही नहीं, मेरे ख्याल में जो भी वारदात, हजारों के हम विटनेस है ऐसी ऐसी वारदातें, जो वारदातें इंजीनियर की गई, ठीक है, और इसलिए इंजीनियर बिल्कुल फारूक रंजू शाह जी, फारूक साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कुछ ताकतें थी जो इन्हें शह दे रही थी, कुछ ताकतें इनके पीछे थी जो 34 साल इंतजार करना पड़ा। मैं माजिद हैदरी साहब से भी इसे समझ लेता हूं, माजिद हैदरी साहब जो बात यहां पर डॉक्टर अग्निशेखर जी ने कही, फारूक रंजू शाह जी ने कही, मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप सहाफत से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, क्या 34 साल में कोई इस तरह की सरकार नहीं आई जो दर्द समझती कश्मीरी पंडितों का, जो वहां की माइनॉरिटीज का दर्द समझती, जो नीलकंठ जैसे बेकसूर जिनका सरेआम कत्ल हो जाता है उनकी फैमिलीज का दर्द समझती? पंडित भाइयों के दर्द को समझना होगा, यह एक ऐसा दर्द है जो 34 साल में खत्म नहीं हो पाया। मैं हर चैनल पे कहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे पंडित भाइयों का कत्ल किया गया, उनके घर लूटे गए, उनके घर जलाए गए, उनकी जायदाद पर नाजायज कब्जा किया गया, जो आज भी हो रहा है कश्मीर में जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें यह समझनी होगी कि पंडित भाइयों का दर्द 34 साल में खत्म क्यों नहीं हुआ। गंजू साहब थे, ये हमारे ननिहाल में पड़ोसी थे जी, तो हमें याद है, हम तो बच्चे हुआ करते, हमें याद है कि क्या मामला हुआ कि इनको अचानक मार दिया गया पूरा कश्मीर में, मतलब पूरा मोहल्ला तो करनगर का जो था, शायद ही उस दिन किसने खाना भी पकाया हो अपने घर में, इतनी उदासी छा गई क्योंकि बड़े मशहूर शख्सियत थे ये पूरे करनगर इलाके के। देखिए बात जो यहाँ पर सबसे बड़ी आ रही है, हमें इस पूरे मामले को सबसे पहले कानूनी नजर से देखना होगा जी। 2017 में हमारे हिंदू भाइयों ने रूट्स इन कश्मीर के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन डाला था कि जी जो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई हैं कश्मीर में 90 से अभी तक, मतलब 34 वर्षों में अभी तक, उनका एक प्रोब किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो प्ली डिसमिस कर दिया। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में 2022 में सेम केस का क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया और उस टाइम ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी वहां पे थे, उनने कहा कि नहीं अगेन डिसमिस्ड। तो कानूनी पहलू से जब आप इसको देख रहे हैं तो ऑनरेबल जुडिशरीज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं ये प्रोब नहीं हो सकता। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो हो सकती थी वो क्या थी जी? देखिए अभी आज जो हुआ है, मैं इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कहता हूं, इलेक्शन के करीब पॉलिटिकल स्टंट। आप एक सिंगल आउट केस कर रहे हैं और उसमें आप हमारे पंडित भाइयों को एक उम्मीद जगा रहे हैं कि शायद आपको जस्टिस मिलेगा। भाई सबसे पहले जो आज की डेट में कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए सबसे खास चीज थी वो उनकी घर वापसी थी। अब क्योंकि घर वापसी तो पिछले 5 साल से भी भाजपा की सरकार करनी पड़े, हमारी बदकिस्मती है कि इस मंच पे राहुल भट्ट साहब के भी वालिद हैं, आपने बताया, तो वो राहुल भट्ट साहब की ऐसी हत्या है कि सरकारी दफ्तर में घुस के टेररिस्ट ने इनको मारा। 34 साल में पहली दफा हुआ है कि सरकारी दफ्तर में किसी हमारे पंडित भाई को मारा गया हो, और कब हुआ? 5 अगस्त के बाद हुआ। तो कुल मिला के जो बात समझनी होगी सबको, क्योंकि लीगली समझनी है, इमोशन से कानून नहीं चलता, वो ये समझना है कि अगर सरकार सच में सीरियस थी पंडित भाइयों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री एक फॉर्मल इंक्वायरी ऑर्डर करे कि ऑल द किलिंग्स विल बी प्रूव्ड।
और उसके लिए एक सेपरेट कमीशन बिठाया जाए, क्योंकि ये एक किलिंग आप प्रोब करेंगे, फिर आपके पास कल रिसोर्सेज नहीं होंगे, फिर आप दूसरी प्रोब करेंगे, इस किलिंग में शायद अगले 10 साल लग जाएंगे, फिर अगली किलिंग में और 20 साल लगेंगे। भाई वैसे तो होगा नहीं, अगर आप सच में सीरियस इसको करने पे, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक कमीशन बिठाए, टाइम बाउंड कमीशन बिठाए कि भाई ये सारी ये जो कश्मीरी पंडित भाइयों की किलिंग थी सब प्रोब होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी किलिंग्स हैं, अबू हुरैरा साहब आपको सुन के आप चौंकना हो जाएंगे, कुछ किलिंग का FIR भी दर्ज नहीं हुआ है। कैसे हालात थे कि FIR किसी की हत्या हुई और उसका FIR नहीं हुआ, तो इसके लिए बिल्कुल एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फॉर्मल ऑटोनोमस कमीशन की जरूरत थी। ये जो आज किया गया है, मैं इसे सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट देखता हूं, इस वजह से क्योंकि भाजपा घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर नहीं पाई अभी तक, तो ये इलेक्शन के टाइम शायद एक आश्वासन उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, वो एक वो मामला बनेगा, लेकिन मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को इसमें जस्टिस मिलने की उम्मीद मुझे बहुत कम है, क्योंकि आप एक केस उठा रहे हैं, फिर आप 10 साल बाद दूसरा केस उठाएंगे, फिर आप 10 साल बाद कम से कम से कम एक शुरुआत हुई है। बिल्कुल, कम से कम एक शुरुआत हुई और पूरी पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से इसमें आगे का प्रोसेस होना चाहिए, आगे की कार्रवाई पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। बस 20 सेकंड लूंगा, जी 20 सेकंड जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक रही हो, जम्मू कश्मीर की हो, सेंटर की हो, हर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी हो, कोई भी पार्टी हो, सबों ने कश्मीरी पंडित भाइयों का दर्द बेचा है, उनका खून बेचा है, इंसाफ किसी ने नहीं दिया है। बहुत सारी बात आपने कही, जारी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बिट्टा जी भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिट्टा जी, क्योंकि आपने उस दर्द को महसूस किया है जो बहुत से कश्मीरी पंडितों के वालिदैन ने, सरपरस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, माओं ने, सब ने महसूस किया, और आपका जो वाकया है वो तो बहुत बिल्कुल हालिया दिनों का वाकया है। क्या सिर्फ इसे कार्रवाई के तौर पर देखा जाए, या लगता है कि नहीं, इसे कॉन्फिडेंस आएगा, इसे इंसाफ मिलेगा? 34 साल यहाँ पर लग गए हैं, तो क्या लगता है कि जो कदम यहां पर सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से उठाया गया है, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, इससे वाकई में एक शुरुआत इसे कही जा सकती है? सर, हम इस शुरुआत का खैर मकदम करते हैं जी, क्योंकि यह पहला एक सिटअप है। पिछले 32 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कश्मीरी पंडित की फाइल खोली गई है। अभी मार्जी साहब भी कहते थे कि कोई किसी जगह कहीं FIR कहीं पर FIR भी दर्ज नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम अगर केस खुलता तो ये कम से कम उन लोगों में ये मैसेज जाएगा कि कम से कम भाई उन फैमिलियों के साथ इंसाफ जाएगा। बिल्कुल इंसाफ। दूसरी बात यह है, जैसे हमारे केस में अभी 3-2.5 साल हो गए, अभी 1.5 साल हो गया, कोई पता नहीं है किसने किया, फाइल बंद हो गई, अब बोला जी इंक्वायरी बिठाई गई है, क्या फायदा हुआ? इसको आगे सख्ती से राइज करना है ताकि रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि 32 सालों के बाद अगर आज खोला गया, ये हम समझ रहे हैं कि भाई ये खुशाबेद कदम है, अच्छा कदम है, लेकिन इसको आगे जोरों से शुरू करना चाहिए नहीं, ताकि आम लोग, जो कश्मीरी पंडित, जो हमारी कौम है, जो हमारी कौम है, जो जिन्होंने दुख सहा है, जिन्होंने अपने बच्चे दिए हैं, बेगुनाह बच्चे दिए हैं, तो उनको कम से कम ये तसल्ली हो जाएगी कि आजकल के दौर में कम से कम इंसाफ मिलने की उम्मीद है। और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ना हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना हम किसी अवाम के खिलाफ, हम बोल रहे हैं भाई जिन लोगों ने किया कम से कम उनको बुकों में लाया जाए, उनको सजा मिली, उनको सजा मिलनी चाहिए, किरदार तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आगे लोगों को इबरत मिले, ऐसा बुजलाना कार्रवाई ना करे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर तभी तो इन लोगों को ये मिलता है, बड़ा बूस्ट हो जाती है जब इन लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती तो नेचुरली बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर, ये अग्निशेखर जी, बहुत बहुत जुल्म हुआ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि 34 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम एक शुरुआत हुई? जो शुरू में मैंने एक जुमला कहा था कि देर आयद दुरुस्त आयद,
लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरी ईमानदारी से जो बात माजिद हैदरी ने कही या रेंजो शाह जी ने कही या जो बात बिट्टा जी कह रहे थे कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, खुले दिल से पूरी ईमानदारी से वाकई में अगर आप चाहते हैं कि मजलूमों का और इसके अलावा जो मुतासरीन हैं, जो विक्टिम हैं, उनके दर्द की भरपाई की जा सकती है, उनके जख्मों पर मरहम लगाया जा सकता है, तो पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करनी होगी। देखिए, शुरुआत आप कह रहे हैं शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत ठीक नहीं है, शुरुआत नाकाफी है, क्योंकि टोटेलिटी में नहीं देखा गया है, आइसोलेशन में देखने की ट्रेंड आ रही है सामने। मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। इंसिडेंटली 4 नवंबर 89 को उस समय मैं लगभग एक आई विटनेस के नाते भी बात कर रहा हूं आपसे। मैं मेटाडोर में ताज होटल के सामने लाल चौक में बैठा और मुझे वहां पार जाना था बस अड्डा बटमालू, क्योंकि मेरी ड्यूटी सिंहपुरा पटन में होती थी। मैं बड़शा पुल को क्रॉस करते हुए जब आप जहांगीर होटल चौक के पास पहुंचते थे, वहां अचानक सारा ट्रैफिक रुक गया, अचानक ट्रैफिक जैम हो गया और गोली चलने की आवाज हुई थी, लेकिन दूर से 300-400 मीटर की दूरी से हमको मेटाडोर में बैठे बैठे दिखा वो लाश उनकी दिखी, जो बाद में पता चला नीलकंठ है। और वहां से लोगों का जत्था जो घबराया हुआ इधर उधर भागता हुआ हमारी मेटाडोर के सामने से ये चिल्लाता हुआ आया, शेलोका, कश्मीरी में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शेलोका या मार डाला उसका। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने हमारी ओर मुड़कर हमको बताया ये नीलकंठ जाज मोरुक, बहुत सामान्य से। तो हमारे लिए क्या ये एक खाली एक नीलकंठ था, खाली एक जज था जिसने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी? ये एक शुरुआत थी एक बहुत बड़े जेनोसाइड की, और एक बहुत बड़े जेनोसाइड को आप आइसोलेशन में टुकड़ों में बांटकर एक केस आज आप 34 साल के बाद उठाएंगे, फिर अगले 34 साल के बाद आप कहेंगे दूसरा हम रिओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो शुरुआत ही शकावर है, शुरुआत गड़बड़ है, शुरुआत लगता है कि आई वॉश है। मैं इसे नीलकंठ गंजू की फैमिली के प्रति बहुत सम्मान के साथ ये कहता हूं, ये उनका अपमान नहीं है, वो हमारे सम्मानित और रेस्पेक्टेड मार्टियर हैं। अब मुझे बताइए, क्या हम इतने वर्षों से इसी बात के लिए लड़ रहे थे कि आप 34 साल के बाद पहला केस आप उठाइए? हम कहते हैं टोटेलिटी में जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करो और कॉल दिस प्रॉब्लम बाय इट्स और बाय इट्स राइट नेम। जैसे अभी 26 जुलाई 2023 को पार्लियामेंट में इस सरकार ने J&K रिओर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए, बिल देखिए उसमें क्या नाम है आपका, हमको माइग्रेंट कहा गया है। जबकि अभी जितेंद्र सिंह जी से किसी ने पूछा मीडिया कर्मी ने जम्मू में कि माइग्रेंट कहना कितना गलत है, कहते ये तो मीडिया ने दिया है। अब इतना सामने सामने आप झूठ बोल रहे हैं, अगर मीडिया ने दिया है तो 26 जुलाई को आप अपने डॉक्यूमेंट में माइग्रेंट क्यों कहते हो? और अगर माइग्रेंट कहते हो तो फिर आप जाहिर है कि आप इसको जेनोसाइड नहीं कहोगे। तो आप वही बात मैंने कही कि अब खुले दिल से और सारे जितने मामले हुए हैं, जो कत्लेआम हुआ है, जिस जेनोसाइड की आप बात कर रहे हैं, सरकार को वाकई में सारे पूरे पूरे इस मामले को एक तरह से नजर में लाना चाहिए। क्या ये खाली हत्याएं हैं? बिल्कुल, क्या ये इसमें एक इंक्वायरी इस तरह नहीं बैठनी चाहिए कि वो जेनेसिस इसका देखे? बिल्कुल माजिद हैदरी जी, माजिद हैदरी क्या, बिल्कुल, क्योंकि कई अपोजिशन, सारी अपोजिशन पार्टियों ने इसको वेलकम किया है, सारी पार्टियों ने वेलकम किया है सरकार के फैसले को, लेकिन सबने यही कहा जो बात यहाँ पर डॉक्टर अग्निशेखर जी कह रहे हैं कि जितने कत्लेआम हुआ है सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। पार्टियां हमारे मामले को बहुत अच्छे के बाद पहली दफा हुआ होगा कि अग्निशेखर जी और मैं एक ही बात कर रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जबानी जमा खर्ची है, एक प्रोब साल लगाएंगे तब तक आप इसको उस धासे में रखेंगे, फिर आप दूसरा प्रोब करेंगे। भाई अगर आप सच्चे हैं, पंडित भाइयों का दर्द समझ रही है सरकार, तो सबसे पहले इनकी किलिंग्स को जिनोसाइड कहे। पार्लियामेंट चल रहा है, मेंबर इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एक पास करते हैं या ऑर्डिनेंस पास करें या बिल निकालें कि ये जिनोसाइड था। दूसरा, एक कमीशन बिठाएं, पंडित भाइयों की किलिंग्स की प्रोब SIA या NIA नहीं कर सकते, इसके लिए एक सेपरेट कमीशन की चाहिए जरूरत है, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, फंडिंग होगी, सब कुछ होगा, टाइमबाउंड तरीके से काम करेंगे। ये जबानी जमा खर्ची है, इसका कोई मुझे नहीं लगता पंडित भाइयों को फायदा मिलेगा। आई वॉश है और कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं फारूक साहब
फारूक साहब एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि ठीक है शुरुआत हुई है, लेकिन जो बात यहां पर माजिद हैदरी और अग्निशेखर जी कह रहे हैं कि और जो बचे हुए मामले उनकी बारी कब आएगी, सरकार अगर वाकई में खुले दिल से इस चीज को कर रही है, इंसाफ दिलाना चाह रही मजलूमों को और मुतासरीन को, तो फिर सबको इसमें लाना चाहिए। जितने वाकये हुए हैं, जो कत्लेआम हुआ है, बिल्कुल आई थिंक जो भी हम सब की ये दिल किया, हेयर वी आर डीएनए बाय डीएनए कश्मीरी, एंड ये सारे कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ, चाहे कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान। मैं आपको मिसाल दूं, मेरा अपना और रिकॉर्ड दीजिए, नेशनल मीडिया पे लिखा है आई वॉज अटैक आउटसाइड माई हाउस एंड इट इज इन सेप्टेम्बर 89 सेम पीरियड, बट FIR दर्ज नहीं हुए बिकॉज एब्रप्टली वर्दी वाले भी अचानक उन्होंने चेंज कर दिया अपना एटीट्यूड और वर्दी वाले जुलूस निकालने लगे, और वर्दी वाले ही और न सिर्फ वर्दी वाले बल्कि एक सेक्शन रेडिकल इस्लामिक सेक्शन बाज़ाब्ता निजामे मुस्तफा के टेप मस्जिदों में चलाने लगे, एक बाज़ाब्ता एक साजिश के तहत एक ऑर्केस्ट्रेट किया गया, एंड दिस ऑल एवरी इवेंट चाहे इंडिविजुअल का हो, बड़ा हो, मैक्रो हो या माइक्रो, इट शुड बी प्रोब्ड। जैसे मैंने आपको बताया कितने आस्थान जलाए गए, हमारे हमें कहा गया ये क्या है जी सूफी मशरफ हनफी मसलक, ये तो जियाल हक ने बैन कर दिया, बिल्कुल ये, और जियाल हक के नारे लगे मर्द मोमिन मर्द हक, तो इन चीजों पे प्रोब होना चाहिए एंड विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड दैट जांच चाहिए। जब सरकार ने कदम उठा लिया है 34 साल के बाद ही सरकार अगर जगी है, बहुत सी सरकारें आई लेकिन उन सरकारों में कहीं ना कहीं खोट रही होगी, अब अगर एक सरकार ने यह कदम उठाया है तो इस सरकार को फिर पूरे खुले दिल से, सरकार को खुले दिल से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कई पैनलिस्ट ने कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, अगर सियासत ना हो तो सिर्फ एक नीलकंठ ही मामला नहीं बल्कि जितने मामले हुए हैं सारे मामलों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जितने मुतासरीन हैं, जितने विक्टिम हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फारूक रंजू शाह जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, माजिद हैदरी जी और बिट्टा जी भट्ट जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।